अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। टीवी 30 इंडिया के समस्त दर्शकों का स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम धर्मचक्र में। आज हम आपके साप्ताहिक राशियों का फलादेश लेकर और उनका उपाय लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हैं। जानते हैं अब आपके सप्ताह आपकी राशि क्या कहती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए सभी कार्य सफल होंगे। सगे संबंधी आदियों में सभी प्रकार से मधुरता आएगी। कुछ कार्य जो हैं आपके रुक सकते हैं, कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है आपको, उसका उपाय है 7 दिन 7 शनिवार काले तिल कीड़ों को खिलाने हैं। इससे कई प्रकार के आपको लाभ होंगे और जो शनि की दृष्टि पड़ रही है उससे आपका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए सभी प्रकार के कार्यों में लाभ प्राप्ति होगी। विद्या आदि का भी विशेष लाभ होगा। व्यापार में भी कई प्रकार के लाभ रहेंगे। नए कार्य बनने की उम्मीद है इस सप्ताह। कुछ कार्यों में यदि अगर आपके रुकावट आए, यदि अगर आपको उपाय करना है इस सप्ताह, तो आप 108 दिन प्रारंभ कर दें। गिनकर चंद्रवार से सोमवार से 108 दिन गाय को पानी पिलाएं। इससे आपके कई प्रकार के ग्रहों में बदलाव होंगे और आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इससे आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे शीघ्र ति शीघ्र। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि की दृष्टि के कारण कई प्रकार के कार्यों में रुकावट आएगी। धन कार्य व्यवसाय विद्या आदि के सभी में आपको कष्ट होगा। इसलिए यदि अगर आप 7 शनिवार आग के पौधे पर 7 कीलें अगर आप चढ़ाएं नित्य एक ही समय से, तो आपको कई प्रकार के लाभ होंगे और आपका कोई भी नुकसान इस सप्ताह नहीं होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सभी प्रकार के उन्नति के लाभ हैं। कार्य सिद्धि होगी। व्यापार आदि में सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। धन आदि नौकरी के भी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। राहु की वजह से रक्त से जुड़ी हुई आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए अपने पैर की मिट्टी को उठाकर एक कपड़े में बांध लें। काला या फिर नीला कपड़ा हो उस कपड़े में बांधकर उसे अपने पास रखें। आपको राहु के दृष्टि से बचाव रहेगा और आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे तथा आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा। सिंह राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह विरोध का सप्ताह है। आपके काफ़ी विरोधी आपको खुलकर विरोध करेंगे। आपके कई कार्यों में रुकावट भी आएगी। कुछ स्थितियों में आपको कहीं अपमान की स्थिति भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। कार्य में विशेष उन्नति का लाभ नहीं होगा। रोग आदि का बहुत ज़्यादा सिंह राशि वालों पर इस सप्ताह प्रभाव रहेगा। कुछ कार्य आपके बन सकते हैं। उपाय आपको करने हैं अंगहीन व्यक्ति को, जो अंग भंग हो अंगहीन व्यक्ति को आप मिष्ठान खिलाइए। इससे आपके कार्य अच्छे होंगे। कन्या राशि वाले जातक, कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापार आदि में लाभ होगा। कुछ नए कार्य भी आपसे जुड़ सकते हैं। कुछ मित्र आदि संबंधों से जुड़े हुए कार्य आपके सफल होंगे। यदि अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको कष्ट की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको विद्या से भी कोई कष्ट हो सकता है। शारीरिक स्थितियों का विशेष कर ध्यान रखें, खान पीन का विशेष कर ध्यान रखें। इसको आपको किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। कन्या राशि वाले इस उपाय को करें, इससे आपको कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बुध के दिन हरा वस्त्र किन्नर को दान करें, इससे कन्या राशि वाले के लिए लाभ प्रदान होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु और शुक्र एक ही स्थान पर बैठने के कारण रोग की स्थिति का अधिक सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक स्थितियों में भी रोग की ऐसी स्थिति बनेगी जिसके कारण आपको कुछ तनाव महसूस करेंगे। कुछ कार्यों में भी आपको रुकावट आएगी। नौकर आदि से आपको कष्ट होगा। आपके कार्यों में भी कुछ हद तक काफ़ी रुकावट आएगी जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को उपाय। तुला राशि वाले जातकों को बृहस्पति वाले दिन श्वेत या पीले वस्त्रों का विशेष कर दान करें। शुक्रवार के लिए शुक्रवार के दिन श्वेत वस्तु का दान करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति के दिन पीले वस्तुओं का तथा शुक्रवार को श्वेत वस्तुओं का दान करें, इससे तुला राशि वालों को लाभ प्रदान होगा।
वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शत्रु प्रबल सप्ताह है, काफी प्रकार के हानियों का सामना करना पड़ेगा। कई चीजें आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं, कार्य में भी आपके रुकावट आ सकती है, इसीलिए आप 27 जौ के दाने गौमूत्र में धोकर चलते हुए पानी में बहाएं। यह उपाय करने से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार के लाभ होंगे और समस्त विघ्न समाप्त होंगे आपके। धनु राशि वाले जातकों के लिए लोहा आदि से कई प्रकार के लाभ होंगे। व्यापार में भी कुछ नई स्थितियां बन सकती हैं। सगे संबंधियों से भी कई प्रकार के आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं तथा प्रेमी से या प्रेमिका से आपके जो संबंध हैं वो मधुर होंगे इस सप्ताह। कार्यों में भी किसी भी प्रकार के आपके रुकावट नहीं आएगी, बशर्ते उपाय यह करें कि आपको जो है नीले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। यदि अगर आप नीले वस्त्र धारण करेंगे तो आपको अवश्य ही कष्ट होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए मानसिक चिंता रहेगी, शत्रु प्रबल रहेंगे, इसीलिए काफ़ी प्रभाव होने के कारण आपको इस सप्ताह जो उपाय करना है वह श्रवण करें। सतनाज की रोटी बनाकर आपको पक्षियों को खिलानी है, इससे आपके शत्रु प्रबल नहीं रहेंगे और सभी प्रकार के कार्यों का आपको लाभ प्राप्त होगा। सतनाज की रोटी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धन आदि की समस्या आपकी दूर होगी। व्यापार आदि में विशेष आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक स्थितियों में भी, धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपको भाग लेना पड़ सकता है। आपको इसके कई प्रकार के सकारात्मक लाभ प्राप्त होंगे। यदि अगर कुंभ राशि वाले जातक अगर यह उपाय करते हैं तो कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। 7 बादाम अपने इष्ट को 7 दिन तक चढ़ावें, इससे कई प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए नौकरी आदि का लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में धन की स्थिति बढ़ सकती है, धन आदि के कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं, लेकिन मीन राशि वाले जातक व्यापारियों के लिए यह सप्ताह काफ़ी कष्टकारी सप्ताह साबित होगा। प्लस प्रशासनिक समस्याओं से भी छुटकारा आपको प्राप्त हो सकता है मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले यदि कच्चा कोयला चलते हुए पानी में बहाएं 27 दिन तो कई प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होगा और मीन राशि वाले जातकों के सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। यह था आपकी साप्ताहिक राशियों का फलादेश और उनके उपाय। यदि अगर आप जो उपाय बताए गए हैं, यदि अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके कई प्रकार के बाधाओं का निवारण होगा, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपको हमसे कोई प्रश्न करना है या आपको अपनी राशि के विषय में जानना है या आपको उपायों के विषय में कुछ भी जानना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यदि अगर आप हमारा यह कार्यक्रम यदि YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दें, फिर अगले सप्ताह आपसे भेंट होगी। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।